निकल चुके हैं हम लोग बलुआ मेले के लिए। अरे यहाँ एक पांडे और दो तिवारी, अजय तिवारी, सिद्धार्थ तिवारी। हेलो सर, सबको प्रणाम नमस्ते कर रहे हैं। गांव से होते हुए हम लोग गुजरेंगे यहाँ से बलुआ मेले में। हेलो गाइस, देख सकते हैं कि हमारे गांव के बगल में एक बलुआ ग्राम सभा है। वहाँ पे प्राचीन समय से, आज से ही पूरे प्राचीन समय से मेला लगता है, और इस साल भी कोरोना टाइम के बाद से, तकरीबन दो साल के बाद से फिर उस मेले का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोग। इसकी अद्भुत झांकी आपको जरूर दिखाई जाएगी। इसमें अधिकतर इसमें हाथी और इसमें रावण की मारने की प्रक्रिया दिखाई जाती है इसमें। आइए चल कर देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि हम लोग मेले के बहुत करीब पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा संख्या में भीड़ आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा रस है वो बलुआ मेले का है। हमारे वहाँ बहुत विख्यात है बलुआ का मेला। जहाँ तक है कि हम लोग बचपन से लेके पांच छह साल से मेले का मेला करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज वो सौभाग्य आप लोगों को भी मिलेगा, वो रस भी आपको मिलेगा जो इस बलुओं के मेले। यही मेला है सर, पूरी की पूरी भीड़ आप लोग देख सकते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग बलुआ के मेले में। बलुआ मेले में मेला शुरू होता है और पूरे का पूरे मेले का दर्शन आप लोग करेंगे। भैया कुबाड़ा कैसे है? 30 रुपए भरने लगे थे, मतलब डिवेलेबल है, हवा भर सही है। रावण खड़ा किया गया है, रावण की मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ का प्रचलित रावण है, यहाँ प्रचलित यहाँ की जमीन।
बड़ा शानदार दुकान सजाते हैं लोग। और बढ़िया है दिखाओ इधर स्माइली भैया भैया बीपी बीपी वाला दबाने वाला है। बजा सो गाइस बलुआ मेला घूमते हुए हमारे साथ माननीय श्री अभय प्रताप सिंह जी हैं, जो इस समय करंट में कई सालों से बलुआ मेला का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी आने वाले सालों में इन्हीं के द्वारा बलुआ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इनसे हम थोड़ा बहुत बलुआ के मेले के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्राचीन मेला है बलुआ का, ऐतिहासिक मेला है, तो इसके इतिहास के बारे में हमें कुछ बताएंगे। आप हमें थोड़ा बलुआ मेले के इतिहास के बारे में बताइए और आपको इसको लगवाते हुए क्या खुशी मिलती है आपको, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें बताइए। अब ये मेला जो है मेरे पर पितामा ठाकुर मोलाई सिंह, जो तत्कालीन यहाँ के तालुकेदार थे और उस समय वो आंध्री मजिस्ट्रेट भी थे, उनके द्वारा इस मेले का नींव डाला गया और अनवरत तभी से यह मेला लगता चला आ रहा है। और इस मेले से हमारा ही नहीं, पूरे हमारे ग्राम सभा और पूरे क्षेत्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेला तो आप बहुतायत में लग रहा है, जैसा आप देख रहे हैं बहुत जगहों पे लगता है, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं जो उनको खींच करके इस मेले में ले आती हैं और उन्हीं भावनाओं के तहत हम लोग भी अपने भावनाओं को जोड़ करके और पूरी तरह से मेहनत करके और अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करते हैं कि सबको सुख सुविधा उत्पन्न कराएं, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट न होने पावे, इस बात का विशेष हम लोग ख्याल रखते हैं और इस परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। जब तक ईश्वर चाहेगा हम तब तक करेंगे इसका निर्वाह। अपना कीमती समय रहने के लिए थैंक यू। मेले में दुकानों को व्यवस्थित तरीके से लगवाना पड़ता है और काफी दुकानें भीड़ भी ज्यादा रहती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो जाए, ये सब चीजों के भी नजर रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मैनेजमेंट जो है काफी बड़ी चीज होती है, मैनेजमेंट बड़ी चीज है और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ संभालना पुलिस के द्वारा समाचार होता है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी यहाँ पे दृष्टि है बनाई जा रही है, जनमानस की पुलिस इस चीज को गाइड करती है। एसडीएम लेवल से समाचार मिलता है, नहीं जब भीड़ होती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, भीड़ काफी ज्यादा लगती है, इसलिए चुनौती भी रहती है और रिस्क भी रहता है ज्यादा। हमारे पाणी जी